अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ प्याज के पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए प्याज, 5 बड़े साइज की प्याज है, 3 टेबल स्पून बेसन, 3 से 4 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बारीक हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, 1 टेबल स्पून चावल का आटा है, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून अजवाइन, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये 2 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। प्याज में सबसे पहले हम नमक डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, सौंफ, अजवाइन, हरा धनिया, हरी मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें चावल का आटा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी एकदम थोड़ा डालना है, अब इसमें बाकी बचा हुआ बेसन डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बेसन इसमें एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम तेल गरम करेंगे। पैन में तेल गरम करने के लिए रखेंगे, तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें हम पकौड़ों को डालेंगे। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं। देर तक पकने देना है। पकौड़े हमारे एक तरफ से सिक चुके हैं, हमें इनकी साइड चेंज करना है और दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पकौड़े हमारे दोनों तरफ बहुत ही अच्छे तरह से सिक चुके हैं, इनमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये लीजिए, गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं, आप भी खाइए, बनाइए और बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। थैंक यू।